Hey guys, welcome back to my new video. Guys, absolutely fine. तो आज हम लोग आए हैं आगा खान पैलेस. सुल्तान शाह आगा खान ने बनवाया था. ये पुणे के नगर रोड में है. 19 एकड़ में फैला हुआ है और 7 एकड़ में ये पैलेस बना हुआ है. बाकी का एरिया जो है उसमें वेल मेंटेन गार्डन है. अंदर एक छोटा सा म्यूजियम है. म्यूजियम भी दिखाएंगे. ये पैलेस इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे गरीबों की मदद किया जा रहा था. 1892 में इसको बनाया गया था. इंडियन हिस्ट्री में इसका इस जगह के बारे में बहुत जिक्र है और वैल्यू है. यहाँ पे मैं और विवेक आए और हम दोनों लोग का लगा है 40 रुपीज़. 25 रुपये बोला था लेकिन 40 रुपीज़ ही काटा. आई डोंट नो भाई, 25 रुपये ही फीस है. अगर फॉरेनर लोग आते हैं तो उनसे 300. फॉरेनर लोगों के लिए 300 है और हम लोगों के लिए 25 रुपीज़ का. अंदर म्यूज़ियम टाइप का है और हिस्ट्री के बारे में सब कुछ दिया हुआ है. हम लोग अंदर जाएंगे लोग, लेकिन यही है कि अंदर में काफ़ी साइलेंट है. अभी हम लोग उधर से थोड़ा सा घूम के आए. करीबन 130 साल हो गए इस पैलेस के, लेकिन इस पैलेस में आने के बाद आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि 130 साल पुराना ये पैलेस है, क्योंकि काफ़ी मेंटेन किया गया है इसको. पैलेस को बनाने में वो टाइम पे 12 लाख का खर्च आया था. और जैसा कि मैंने बताया था कि सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान ने 1892 में इस पैलेस को बनवाया था. मोहम्मद शाह आगा खान ने इस पैलेस को क्यों बनवाया था? 1892 में हमारा जो देश था ना, वो बहुत ही प्रॉब्लम से जूझ रहा था. बहुत ही बुरा हाल था कि ना किसी के पास वो टाइम पे काम था, ना खाना था. बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी. मोहम्मद सुल्तान शाह ने ये फैसला लिया कि ये डिसाइड किया कि यहाँ पे एक पैलेस बनाएंगे जहाँ पे यहाँ के लोगों को या फिर यहाँ के आसपास के लोगों को, पुणे के आसपास के लोगों को रोज़गार दिया जा सके. ये बना तो काफ़ी लोगों का मदद हुआ. मेन टारगेट इस पैलेस का यही था कि लोगों की मदद करना, ऐसा कह सकते हैं. चैरिटी के लिए ये पैलेस बना था. अभी मुझे पता चला कि ये आगा खान पैलेस जो है ना, ये 7 वंडर्स में से एक था पहले. ये 1969 में गवर्नमेंट को दे दिया गया था. ये रास्ता नो एंट्री बोला है तो नहीं जाने का. अभी किधर साइड नहीं जाने का, वो कन्फ्यूजिंग है. किधर नहीं जाने का, किस में नहीं जाने का, वो भी कन्फ्यूजिंग है भाई. तो उधर लगा दिया. इधर जा सकते हैं, ये भी मेरे ख्याल से पैलेस का ही एरिया. विवेक भाई को यार अंदर से खुलबुली मच गई है. जाने का उधर, इधर जाने का बोल रहा. वो बिल्डिंग दिख रही है दो ना, उधर ही जाने का बोल रहा. चले गया बट इधर यहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ. एरो बना देता यार उधर की. इधर हमें अंदर नहीं जा रहा हूँ, अंदर नहीं जाने का बोला. चलो भाई, कंफर्मेशन मिल गया तुरंत हम लोग को देख के. वो आ गए और बोलने लगे कि अंदर नहीं जाने का. खैर देख लो इधर से ही. चलो उधर चलते हैं. अभी मना कर दिया तो नहीं जाने, नहीं तो बाहर कर देंगे ये लोग. अरे बाहर कर देंगे ये लोग यार. उधर मतलब पहले का ही पूरा बाउंड्री है, तो कुछ ना कुछ हाँ होगा ना. कुछ बाउंड्री खत्म थोड़ी हो रहा है यहाँ पे. वही तो बाउंड्री खत्म. आगे तक है वो. हम लोग जा रहे हैं इधर कस्तूरबा गांधी का यहाँ पे समाधि है. अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं. ये दोनों समाधि आप जो देख रहे हो, इसमें से एक कस्तूरबा गांधी की समाधि है और एक महादेव देसाई की समाधि है, जो कि सेक्रेटरी थे महात्मा गांधी की. और वो वाली जो समाधि देख रहे हो आप, वो महात्मा गांधी जी की समाधि है. रियल में तो आप लोग जानते हो रियल वाला समाधि दिल्ली में है, बट ये दोनों जो समाधि है कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की, ये रियल वाला है क्योंकि इन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहीं पर ली थी. यहाँ पे खादी कपड़ा वगैरह भी मिलता है. स्कूल भी है कस्तूरबा महिला खादी ग्रामदेव विद्यालय पुणे. और यहाँ पे छोटा सा कैंटीन भी बना हुआ है, आप लोग आते यहाँ पे नाश्ता पानी कर सकते हो. ऐसा गला वाला सूख गया अभी, बहुत तगड़ा धूप है. ऊपर एकदम गर्म हो गया था, बैटरी चेंज किया मैंने अभी. ये गैलरी बन है यहाँ से.
इधर से बंद है अंदर से, तो रूम ऐसा कुछ ऐसा है, उनका चप्पल वगैरह और जो भी वो यूज़ करते थे, उनकी लाठी, उनका चेयर, सब कुछ है इधर, लेकिन वो रूम बंद करके रखे हैं। जो रूम था वो यही रूम था उधर से आपको हमने दिखाया। जानने के लिए बहुत कुछ है, अगर आप आते हो तो आपको हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। आपको साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति थी। जो भी मैंने बताया वो सब बेसिक चीज़ें थी, और भी बहुत सारी चीज़ें जानने को यहाँ पे। और मैंने इसके बारे में बहुत पहले भी हिंदी की बुक में पढ़ा था, याद नहीं है कौन से क्लास में था, सिक्स्थ या सेवन्थ में था शायद, हिंदी की बुक में काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया गया हिस्ट्री में, जैसा कि मैंने बताया वो टाइम पर जब बना होगा ये, सही में ये क्या मतलब कि अलग रोल होगा ना। ऊपर भी है रास्ता जाने का लेकिन ऊपर सब बंद किया गया है। सामने का ही कुछ रूम वो जिसमें ज़्यादा तक हिस्ट्री वगैरह है उसको खोला रखा गया है, जहाँ पे सब कुछ दिखाया गया, चार पांच गैलरी मैंने दिखाया तो उसको ही ओपन रखा गया, और सारे सब कमरे वगैरह और भी सब ऊपर का सब फ्लोर वगैरह बंद है। पैसा वैसा कमाओ इधर पहले से बनवा का एक सपना होता है भाई, बड़ा सा घर हो मतलब इसी तरह बीच में घर हो, अगल बगल गार्डन वार्डन मस्त। मत खोल भाई। अबे चोरी होने का लगा देंगे तो केस हो सुना तो हो जाएगा काम तुम्हारा। भी कर सकते हैं सर। खाली है उसमें कुछ भी छोटा मोटा सामान हो सकता है भाई, महल है कुछ भी हो सकता है भाई। हम बोल रहे कमाओ उमाओ और बनाओ ऐसा पहले से। ये बड़ा रूम होगा, बहुत मास्टर बेडरूम होगा वो। गेट है सपोज कर रहे हैं हम लोग, ऐसा सोच रहे हैं लोग, यहाँ से मस्त गाड़ी होती है कि वो भी विंटेज कार या खतरनाक तरीके से यहाँ पे लगती है। विंटेज कार नहीं, हाँ वो टाइम पे यहाँ फील कर सकते हो, फिर हो सकता है उधर से भी आते होंगे, इधर से निकलते होंगे। इतने धूप में भी लोग आ रहे हैं, मतलब मैं आपको बताता हूँ गाइस, मैं आपको बताता हूँ लिटरली इतनी गोरी थी वो मैम कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी गोरी, जनरेशन गोरा हो जाएगा। तो यही सब सोच भाई लगी को देख के, फॉरेनर को देखा। Well, apart from this, this palace is really very beautiful. तुम इसके बारे में पढ़े होगे यार, हिंदी के बुक में था ये पहले। क्यों नहीं जाने के लिए अलाउ कर रहे उधर? क्योंकि उधर से रेसिडेंशियल एरिया है। हाँ। और इधर जो कि कनेक्टेड है इसी से, इसी एरिया से जंगल है, जाओगे फालतू में सांप बीच काट लिया, इसलिए उन्होंने मना किया। इसीलिए उधर वहाँ पे जंगल है, जंगल के बाद उधर सोसाइटी वगैरह बनी हुई है। मैं खुला है, बंद तो नहीं है, बस खाली यहाँ लिखा रखा खुला ही है। वहाँ पे थोड़ा देर खड़े थे तो देखा आप लोगों ने, वो आए बोले कि नहीं नहीं, नहीं जाने का उधर। चलो टर्जन बनो अभी, जोर से जोर से, नहीं टूटेगा हमें ना। एंट्रेंस है ऐसा, ये सब पार्किंग है, वो मेन गेट है वहाँ पे, वहाँ से एंट्रेंस होके यहाँ पे आपको पार्किंग फ्री है, तो पार्किंग तो पैसा नहीं लगता है, और वहाँ पे टिकट मिलता है, टिकट काउंटर है। अभी हम लोग जा रहे वाले घर, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो को, बाय बाय, टेक केयर, आओ इधर आगे घूमो फिरो, अच्छा लगेगा। खैर सब ठीक है, आगे घूमो।